कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में औसत रूप से कमी जरूर देखी गई है, लेकिन इस बीच एक नए वेरिएंट ने हड़कंप मचा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट का नाम XE है। ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बज गई है। साल 2020 में चीन के वुहान में पैदा हुआ ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर ढाए हुए है। फिलहाल चीन खुद इस कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। भारत में गृह मंत्रालय ने 31 मार्च से कोरोना वायरस पर लगाई गई सभी पाबंदियों को खत्म करने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट आने के बाद ये फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, जबकि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के जुर्माने को हटाकर उन्हें वैकल्पिक बना दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने लोगों से कोविड के लिए उपयुक्त नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत को कहा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट का नाम XE है। शुरुआती स्टडी में पता चला है कि XE वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार BA2 वेरिएंट के मुकाबले 10% ज्यादा है। WHO का कहना है कि ये ओमिक्रॉन BA1 और BA2 वेरिएंट का कॉम्बिनेशन है। WHO ने एक रिपोर्ट में कहा था कि कोरोना के वेरिएंट आपस में जुड़कर कुछ नए वेरिएंट बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले ओमिक्रॉन और डेल्टा से मिलकर डेल्टा क्रॉन कॉम्बिनेशन तैयार हुआ था। अब ओमिक्रॉन के दो वेरिएंट BA1 और BA2 का रिकॉम्बिनेट तैयार हुआ है, जिसे XE कहा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि कोई कॉम्बिनेशन तब तैयार होता है जब कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रकार से संक्रमित हो जाता है। अब तक कोविड के 3 हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेट स्ट्रेन का पता चला है, जिसमें से पहला XD, दूसरा XF और तीसरा XE। इनमें से पहले और दूसरे वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रॉन के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं, जबकि तीसरा ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन है। XE वेरिएंट के बारे में 19 जनवरी को सबसे पहले ब्रिटेन में पता चला। इसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन बताया जा रहा है। इसके अब तक 600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर इसके मामले नहीं मिले हैं। XE के लिए शुरुआती विकास दर BA2 से काफी अलग नहीं थी, जिसे स्टील्थ ओमिक्रॉन भी कहा जाता है। फिलहाल मौजूदा समय में ब्रिटेन में स्टील्थ ओमिक्रॉन के मुकाबले XE वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।